नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। अपना गांव अपनी सरकार के नाम से हमारा खास प्रोग्राम आप देखना ना भूलें। आज हम पहुंचे हैं गांव धोराला में। यहां जानेंगे किस तरह की 5 साल की योजना पिछली बीत चुकी और अगले 5 सालों की क्या तैयारी है, उसी को लेकर यहाँ गुलाब सिंह जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं उनके समर्थक और गुलाब सिंह खुद यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानकारी लेंगे कि अगले 5 साल किस तरह की तैयारी आपने कर ली है और पिछले 5 सालों में जो खामियां रही उन 5 सालों को अगले 5 सालों के लिए किस तरह से आप तैयार कर रहे हैं। एक एक करके हम जानकारी लेंगे। उनके समर्थक यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले एक बुजुर्ग मौजूद है, क्या नाम है आपका? सराफत। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं, क्यों इकट्ठा हो रखे हैं, क्या वजह है? गुलाब सिंह को वोट देंगे। अच्छा, गुलाब सिंह के लिए आप तैयार हैं, पूरी तरह से ये प्रत्याशी बन चुके हैं? बिल्कुल। अच्छा, पिछले 5 साल में क्या वजह रही, क्या कमियां रही है? ऐसा कुछ ना कुछ कमी रही ना कुछ अच्छा ही हुआ। अच्छा, बस ना ही अच्छा हुआ ना ही बुरा हुआ। कमी बुरा हुआ। अब की बार बदलाव होगा के नहीं? बदलाव होगा। अच्छा, अगर ये करना चाहे बदलाव जैसे बदल देंगे। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। अगर ये नहीं कुछ कर पाएंगे तो बदलाव इनका भी हो जाएगा। इनका बदलाव हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। बुजुर्ग मौजूद, क्या नाम है आपका? यूनुस। पिछले 5 सालों की योजना और उससे पहले 5 सालों की योजना और उससे पहले 5 सालों की योजना क्या रहा, क्या कुछ? पिछले 5 साल की योजना तो कुछ नहीं, खत्म। अच्छा, वो तो खत्म है बिल्कुल। अच्छा, और उससे पहले बहुत कुछ हुआ। उससे पहले 2010 और 15 की जो योजना उसमें, थी उसमें इनाम प्रदान था। 60 मकान भी बने, मकान सड़क भी बनी, सब कुछ बना। इसमें कुछ नहीं बना 5 साल में। तो अब की बार बदलाव होगा? बदलाव होगा। युवा मौजूद है, क्या नाम भाई साहब का? मोहम्मद रियाज। रियाज भाई, आप एक पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे, अच्छे खासे माशाल्लाह। बदलाव क्यों होना चाहिए? देखो, गांव को विकास चाहिए, विकास के लिए ये सब कुछ करा जा रहा है। पिछले 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ गांव के अंदर। हमें चाह रहे हैं आगे के लिए विकास हो। जो वादे हुए वो कोई वादा पूरा नहीं हुआ, सारे वादे झूठे वादे हुए। वादा तेरा वादा। हाँ, वादा तेरा वादा, वही झूठे वादे हुए सभी। अब इस प्रधान को चुनने जा रहे, अगर इसने भी ऐसे करा तो इसे बदल देंगे। विकास के लिए चुन रहे इसे, तो इसके वादे देख रहे हैं, ये वादे कर रहा, ये वादे पूरे करेगा या नहीं करेगा। उम्मीद तो लग रही है वादे सारे पूरे करेगा। आप उन्हीं की बैठक पर खड़े हैं और उन्हीं से बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं। बात तो सारी रखनी चाहिए ना, बात तो सारी रखनी चाहिए। अगर हम इसके साथ बेबाकी से बात करेंगे तो हमारा विकास कराएगा, वरना कैसे विकास? क्या लगता है? विकास कराएगा, उम्मीद है विकास कराएगा। एक भाई साहब मौजूद है, क्या नाम भाई साहब का? संजय सैनी। संजय सैनी जी, क्या रहेगा, बदलाव हो पाएगा गांव के अंदर या नहीं हो पाएगा? और बदलाव होगा तो क्यों होगा? बदलाव तो होना चाहिए, युवा नेता है। जैसे 5 साल पिछले गए उसमें काम नहीं हुआ, तो आगे उम्मीद लेके इसको वोट दे रहे हैं। आगे इससे विकास करना चाहते हैं कि गांव का उद्धार करे कुछ, इसलिए पूरी उम्मीद है कि उम्मीद तो है। देखो, उम्मीद के बिना तो कुछ नहीं। जीत का कितना परसेंट उम्मीद है आपको? जीत तो देखो पूरी पूरी लग रही है अपने। अच्छा, चलिए, एक भाई साहब मौजूद हैं। हाँ, क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम अकरम का है, बीडीसी मेंबर हूँ मैं यहाँ का। अच्छा, बीडीसी मेंबर हैं या बीडीसी पद के प्रत्याशी हैं? हाँ, प्रत्याशी हूँ मैं। प्रत्याशी? अच्छा, तो आप प्रत्याशी पद के उम्मीदवार भी हैं, गुलाब सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, क्या समीकरण रहेगा हार और जीत का, किस तरीके का जोड़ तोड़ है? नहीं, 90% इंशाल्लाह हमारी जीत है और गुलाब सिंह प्रधान बनेगा, युवा नेता है और गांव में इंशाल्लाह 100% विकास होगा। पिछले विकास को भुला दिया जाएगा। अभी साफ सीधी बात है, जनता है, जैसे इसको बदल दिया ऐसे इसको बदल लेंगे, लेकिन उम्मीद विकास की 100% है, 100% विकास होगा। ये मेरे बराबर में खड़ा है इंशाल्लाह, आपका नंबर 99% इसकी पूरी जीत का है। क्या वादे हैं, क्या इरादे हैं? पिछले 5 साल का कार्यकाल भी बीत चुका, अगले 5 साल में व्हाइट जैकेट है, नीला कुर्ता है, अब क्या रहेगा, क्या बताइए थोड़ा सर। यह है, पिछले 5 सालों में कुछ भी वादे नहीं हुए और हमारा वादा है ये टावर और जी ये टंकी और स्कूल और सब, इन सबको पूरे करेंगे और लेकर आपका नाम जनता आपको दिखाएगी। ये सारे वादे जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? पर जनता के हाथ में है भाई। अच्छा। मेरे तो बस जो काम वोट मांग रहे हैं। एक भाई साहब बता रहे हैं कि अगर काम किया तो ठीक, नहीं तो इनको भी बदल देंगे अगले 5 सालों में। नहीं, काम करेंगे भाई साहब। अच्छा। काम करेंगे, जनता ने अगर मौका दिया तो काम। हाँ, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, ये नारा तो भारतीय जनता पार्टी का है जी, तो उसी नारे के साथ आप भी आगे बढ़ रहे हैं जी। जी अच्छा,
पिछले 5 साल की जो योजना गुजरी उसमें ऐसा कोई खास काम जो रुका हुआ, जो आप अधूरे पड़े विकास को आगे ले जाएंगे, कुछ ऐसा या कुछ हुआ ही नहीं? टंकी का वादा करा था, टंकी नहीं लगी। टावर का लगा था और पंचायत घर था, वो वादा करा था, वो नहीं हुआ। कुछ भी वादा नहीं हुआ यहाँ पे। हमारे गांव की सड़क भी ऐसी पड़ी, गांव की सड़क जो मेन रोड है वो जब से टूटा हुआ था उसकी योजना में वो सड़क भी एक बार बनी नहीं। इस तरह की बहुत परेशानी हो रही चलने में जी। तो ये बदलाव होगा तो गांव में भी है बदलाव होगा जी। जी जी जरूर पूरी करेंगे इन बातें, जो छुट्टी हुई है इनको पूरी करने की कोशिश करेंगे। गुलाब सिंह है जो प्रधान पद के उम्मीदवार है गाँव धोराला से, इन्होंने साफ तौर से कहा है कि पिछले 5 सालों में जो विकास हुआ या नहीं हुआ वो तो जनता खुद तय करेगी, लेकिन अगले 5 सालों में विकास कैसा होगा ये तय हम करेंगे अगर जनता ने मौका दिया तो। गांव वालों ने इसलिए चुना था कि इनके जो रिश्तेदार हैं एक सरफराज अली खान, इनके फूफा, वो उस वक्त मंत्री थे। अच्छा अच्छा जी। और इसीलिए गांव वालों ने फैसला किया था कि ये गांव लोहिया में आ जाएगा और गांव बहुत विकास करेगा। और समाजवादी पार्टी की समाजवादी पार्टी सरकार भी थी, लेकिन कुछ नहीं हो सका बस। तो उसी की नाराजगी, उसी की नाराजगी में ये गुलाब सिंह अब के मैदान में है और इंशाल्लाह यही पूरे पूरे बहुमत से जीते। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई साहब है, क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम आमिर है। आमिर भाई, मैं पूर्व प्रधान का भतीजा हूँ। अच्छा, जो इनाम जी, मैं इनाम प्रधान का भतीजा हूँ। आपकी योजना का लोग यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, भाई साहब ने बताया उनकी योजना जो थी बहुत अच्छी योजना गुजरी, तो पिछले 5 साल में इतनी नाराजगी कैसे इकट्ठा हुई? पिछले 5 नहीं, पिछले 30 साल से ये पार्टी ऐसी है जो गांव में हर साल अपना कैंडिडेट उतारती है, अगर SC में सीट आती है और अगर जनरल में आती है तो खुद खड़े होते हैं। पिछले 30 साल में बहुत सारी पार्टी आई, बहुत सारे प्रधान आए चले गए, लेकिन ये पार्टी है वो इसी वजह से है कि हमने काम किया है यहाँ लोगों के लिए। यानी आपका जो ग्रुप है जी, हमारे ये अक्रम चचा हैं, प्रधान ताया हैं, हमारे चचा हैं, मतलब ये हर फील्ड के यहाँ इस पार्टी में लोग हैं। किसी को काम है, किसी कार्यालय में काम है, किसी को थाने में काम है। गांव के ऐसे ही छोटे छोटे मसले होते हैं तो उन सब के लिए ये बहुत अच्छे। किस हद तक आपको विश्वास है कि गुलाब सिंह के रूप में अब की बार बदलाव होगा? देखो, बदलाव के लिए ही गुलाब सिंह को लाए हैं, हमें लगा कि अच्छा युवा नेता है, बदलाव लाएगा, तो इसीलिए गुलाब सिंह को चुना है इस पार्टी ने। यानी गुलाब सिंह आएगा, बदलाव लाएगा। बाकी जो गुलाब सिंह अपने निजी कामों में भी बहुत अच्छा काम करते हैं गुलाब सिंह, इसीलिए गुलाब सिंह को लाया गया है। एक भाई साहब पीछे मौजूद है, उनसे भी जानकारी लें। क्या नाम भाई साहब का? अनिल कुमार है जी। अनिल कुमार जी, बारू प्रत्याशी हैं आपके गांव से, क्या लग रहा है? बनेंगे 100%। अच्छा, 100% जीत कर रहेंगे। और हमारे गाँव की सबसे पहले सड़क खराब है, यह बनवाऊंगा एकदम। हाँ जी, उम्मीद है जी, भी तो इनके पर हाथ रखा प्रधान जी, ऐसी बात नहीं होने की। हाँ, हम दिलो जान से साथ हैं इनकी और पूरे जोरों शोरों तक काम चल रहा है इनका गांव में भी, और खर्चा भी कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। अब खर्ची लाने बनता है खर्चा वो जी। जो आगे बढ़ते हैं, बुजुर्ग हैं, क्या नाम बढ़े आपका? विशंबर। क्या लगता है अब की बार गांव के अंदर बदलाव होगा या नहीं होगा? बदलाव होगा, बढ़िया। कुछ खास वजह बदलाव होने की? खास वजह है सड़क है जी, पानी की जोड़ की समस्या है, जो भी काम जो है ना सारे रुके पड़े, टंकी की, टावर की, ये ऐसी समस्या है। लेकर वाले करना 16 ने जीत कर जाएगा हमारे पास, बढ़िया उत्तर से। अच्छा, आपको उम्मीद है कि जीत बिल्कुल बढ़िया? आपका क्या नाम है? राम कुमार सर। राम कुमार जी, क्या लगता है अब की बार गुलाब सिंह के रूप में बदलाव होगा कि जी? बिल्कुल होगा जी, पूरी जो दिलो जान से साथ लगे हुए प्रधान प्रधान जी। अच्छा भाई साहब, हाँ आपका क्या नाम? मोहम्मद शहबाज। शहबाज जी जी, पिछली योजना भी यहाँ हुई, उससे पहले योजना हुई जी, तो क्या रहेगा भाई? पिछली योजना में तो कोई विकास नहीं हुआ, जो वादे किए थे वो वादा एक भी पूरा नहीं हुआ। सड़क, पानी, बिजली कोई वादा नहीं, टंकी का वादा किया था वो भी नहीं लगी, और टावर का वादा किया था वो भी नहीं लगा। तो अब की बार उम्मीद है कि अगर जीत जी, अब की उम्मीद है कि लड़का युवा है, अच्छा काम करने वाला है, तो उम्मीद यही करते हैं कि ऊपर वाला मौका देगा तो पूरे काम करेगा। गांव धोराला में हम इस वक्त मौजूद हैं, यहां प्रत्याशी अनेक दावों के साथ अपनी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अपने वादों के साथ और इरादों के साथ, मजबूती के साथ, अपने समर्थकों के साथ, अपने जिम्मेदारों के साथ, युवाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, जिस तरह से तैयारी के साथ चुनावी मैदान में गुलाब सिंह उतर चुके हैं, उससे एक बात तो साफ है कि गांव धोराला के अंदर मुकाबला कड़ा होगा। मुकाबले के बाद हार और जीत किसकी होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से पिछले 5 सालों की योजना से लोग निराश हैं और गाँव के लोग हताश हैं,
कुछ योजना ऐसी हैं जो गांव के अंदर आती है और उनसे गांव का उद्धार हो जाता है। सत्ता में रहते हुए जो लोग योजना गांव के अंदर नहीं लेकर आते और उन योजनाओं को दाएं बाएं को घुमाकर गांव को ऐसे ही लपेट कर अपने अगले 5 सालों की तैयारी में लग जाते हैं, तो हकीकत में ही जनता ने और गाँव वासियों ने ऐसे प्रत्याशियों को सबक सिखाना जरूर चाहिए। सत्ता में रहते हुए जो गाँव का उद्धार नहीं कर सकता, उन लोगों को फिर सत्ता में दोबारा आने का या प्रधानी पद के लिए किसी भी उम्मीदवारी के लिए मैदान में आना नाइंसाफी होती है। बदलाव होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन एक बात फिर मैं आपको दोहरा दूं, साफ है कि गांव धोराला में गुलाम सिंह के रूप में जिस तरह का माहौल तैयार हो रहा है उससे एक बात साफ है कि जीत कहीं ना कहीं उनके कदम चूम सकती है।